सुख संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे, काशमी दे तन का ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहू में किसके, स्वामी शरण गहू में किसके, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करू मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। जी स्वामी जी, आज का जो पर्व है गुरु पूर्णिमा कहलाता है, क्या महत्व है इसका और किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए? देखिए, भारतवर्ष में गुरु पूर्णिमा का आदि अनादि काल से बहुत बड़ा महत्व है। पुरानी सभ्यता के अनुरूप एशिया खंड जितना है उसको जम्बो द्वीप कहा जाता था। भारत उसका सबसे बड़ा खंड था, अखंड भारत। और गुरु शिष्य परंपरा हमारी सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में विशेष महत्व है। वो कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा यह है कि ईश्वर निराकार स्वरूप है और हम उसको देख नहीं पाते हैं, दिव्य दृष्टि से देखा जाता है, मगर ईश्वर का मार्ग, ईश्वर का दीदार, ईश्वर के दर्शन जो कोई कराता है वो गुरु एक माध्यम है। और इसीलिए गुरु को कि साक्षात परब्रह्मा, क्योंकि गुरु देहधारी गुरु दिखता है, ये परंपरा हमारे देश में है, इसका एक महत्व है। वो कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो बताए। जो मार्ग है ईश्वर तक पहुंचने का वो गुरु बताता है। गुरु भगवा वस्त्र धारण करके खाली धर्म गुरु हो ऐसा नहीं है। गुरु आपके जो शिक्षा देता है, जो टीचर है, जो अध्यापक है, वह भी आपका गुरु है। और सबसे पहले माँ आपकी गुरु है, जो आपको चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है। सबसे बड़ा महत्व, सबसे बड़ा गुरु मातेश्वरी माँ। उसके उपरांत गुरु का स्थान है और गुरु के प्रति श्रद्धा ही ईश्वर तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसलिए महत्वपूर्ण ये पर्व है, हिंदू समाज का, सनातन धर्म को मानने वालों का बहुत बड़ा पर्व है। और आप देख रहे हैं ये हमारी श्री धार्मिक रामलीला कमेटी ने आयोजन किया है, इसमें सब लोग श्रद्धा पूर्वक अभी पूजन किया, हवन किया, अब गुरु पूजन होगा। गुरु पूजन का महत्व है कि जिस प्रकार से ईश्वर की हम आराधना करते हैं, पृथ्वी पर साक्षात गुरु स्वरूप है और गुरु की पूजन गुरु पूर्णिमा पर करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है।